सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे हेयर को ड्रॉ करता हूँ वाटर कलर का यूज़ करके। सो मैंने यहाँ पे पहले आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। मैंने यहाँ पे हैंडमेड पेपर यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्रॉ हेयर का डिरेक्शन जहाँ पर है जितना है वहाँ पर वैसे ही करके एक बेसिक लेयर ड्रॉ कर लिया है। और फिर मैंने अपना पेज को नॉर्मल वाटर से भिगा लिया एंड देन मैंने उसमें बेसिक लेयर बैकग्राउंड का ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि अगर आपने मेन ऑब्जेक्ट को पहले कलर करो और देन बैकग्राउंड को करो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कलर में। तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस फोटो को फॉलो करके हेयर का डायरेक्शन जहाँ पर है वहाँ पर हेयर का डायरेक्शन वैसे ही करना पड़ेगा। और वाटर कलर के लिए मैं आपको बोलूँगा पहले आपको फर्स्ट लेयर लाइट लेयर करना चाहिए। फर्स्ट लेयर जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है एंड देन सेकेंड लेयर थोड़ा डार्क एंड देन डार्क, डार्कनेस को फिर बढ़ाना चाहिए। और वाटर कलर में आपको बेसिक चीज़ जो करना चाहिए वो है यहाँ पे आपको पेपर वाइट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर वाइट छोड़ने से वहाँ पर जो रियलिस्टिक वाइट का जो एक लाइटनेस आता है वो आपको वाइट कलर ऐड करके नहीं आएगा। सो आपको पेपर का जो वाइट पोर्शन है उसको छोड़ना पड़ेगा और आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप वैसे ही अचीव कर सकते हो रियलिस्टिक। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिक कलर ब्लू यूज़ किया। मैंने जहाँ पर जैसे हेयर का डायरेक्शन है वैसे ही करने का कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है और डार्कनेस को ज़्यादा बड़ा के यूज़ किया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फाइनल लेयर ब्लैक, और मैंने सिर्फ ब्लैक नहीं यूज़ किया, यहाँ पे ब्लैक के साथ मैंने थोड़ा ब्लू भी यूज़ किया था। सो आपको रेफरेंस फ़ोटो को फॉलो करके आपको पिक्चर को ड्राइंग करना चाहिए। और वाटर कलर में आपको हर वक्त ख्याल रखना पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वाटर कलर में ज़्यादा वाटर को मेंटेन करके यूज़ करना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए पहले आप जब बिगिनर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा पहले नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो आपका ड्राइंग इम्प्रूव करेगा। सो इस वाले ड्राइंग को मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स के लिए, जब मैं भी एक बिगिनर्स था तो मुझे भी प्रॉब्लम होता था वाटर कलर से हेयर को ड्रॉ करना, हेयर का डायरेक्शन किधर और हेयर में जो डायरेक्शन होता है मतलब हेयर प्रॉपर एक शेड में होता है। सो इसीलिए मैंने आज ये वाला वीडियो बनाया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।